हेलो गाइस, आज जो हम रिएक्शन देना चाहेंगे वो है मूवी खुदा गवाह। जी, ये बहुत बड़ी मशहूर मूवी है, अमिताभ बच्चन जी की ये मूवी है और ये बड़ी ही ज़बरदस्त मूवी रही है खुदा गवाह। बेसिकली ये बहुत मेगा ब्लॉकबस्टर मूवी है और इसके अंदर अमिताभ बच्चन जी ने पठान का रोल किया है, वो अगवानी पठान का। तो अच्छा, इस मूवी के अंदर ये कादर खान जी ने भी कहा था कि अगर इनको इस मूवी में साइन किया जाता तो ये मूवी और भी ज़्यादा होती। वैसे बात बिल्कुल सही है कि अगर अमिताभ बच्चन जी के दोस्त जो कि डैनी ने किरदार अदा किया, डैनी की जगह अगर हम इनको रिप्लेस कर देते कादर खान जी को, और जो विलन है विलन का किरदार डैनी जी को देते, तो ये जो मूवी थी ना ये बहुत ख़तरनाक हो जाती। मतलब ये तो निकलती ही नहीं सिनेमा हॉल से काफ़ी अर्से तक। एनीवे, खैर ये मेरी एक राय है, मैं क्रिटिसाइज़ करने वाला कोई होता नहीं हूँ, ये एक मेरी अपनी राय है। आप लोग भी अपनी राय दे सकते हैं कमेंट के अंदर कि मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। चलें, ये भी ये इसी वजह से ये एक सीन है, बड़ा क्लाइमेक्स का सीन है जो कि मुझे मिला यूट्यूब के अंदर, और इसको हम देखते हैं और फिर इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। चले, वाह खान वाह, क्या मौत को शिकस्त दी है तुमने मुझे बचाकर। पाशा भाई तो तुम्हें इनाम देंगे ही, मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगा। मिलाओ हाथ। ओए होचे होचे, जिंदगी मौत से हाथ मिलाना चाहती है। ये पठान खोचे कहते हैं, हाँ, पठानों के अंदर ही बड़ी इसके अंदर बड़ी मैं बता रहा हूँ, बहुत मेहनत की गई है इस फिल्म के अंदर। इवन दो ये जो इसके अंदर अमिताभ बच्चन अचानक यूं करके खड़ा हो जाता है, यूं करके, और ये अगवानी करते हैं। ये मैंने अगवानी एक लड़की थी उसके अंदर गौर किया था, उसको जब भी कोई चीज़ बोलनी होती थी ना तो वो इस तरह करके, जैसे कि कोई कमेंट, कोई वैसा भारी भरकम कमेंट पास करना, तो यूं करके वो खड़ी हो जाती थी। तो मैंने कहा यार ये तक इन्होंने ऑब्ज़र्व किया है, और वो अमिताभ बच्चन बिल्कुल वही एक्शन मारता था, तो यार ये कहाँ जा रही है डायरेक्शन। आप ये सोचें उस दौर के डायरेक्टर कौन थे यार, क्या कितना इन्वॉल्वमेंट था। आई मीन हाउ कुड यू, पठान देख के आदमी कह रहा था यार चलो बना दो फिल्म पठान के ऊपर, पठान यार पठान, आपको पठान का रोल करना उसका, ठीक है 10 पठान हमने देखे हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में सारे पठान इतने सारे तो हमने देखे हैं, तो ठीक है कर लेंगे यार, क्या है, चलो ठीक है कोई कल्चरल पठान होना चाहिए कोई वैसा, तो वो भी देख लेंगे कर लेंगे, हो जाता है चल जाता है। लेकिन नहीं, इसी तरह एक मूवी थी अमिताभ बच्चन जी की, उसके अंदर वो पुलिस वाले का किरदार अदा करता खाकी। अच्छा, खाकी के अंदर एक बड़ा एक सीन है, उसके अंदर खाकी के अंदर खाकी के अंदर एक सीन है। एक मिनट, मेरा कैमरा थोड़ा सा रुक गया, ये गरीब आदमी का कैमरा है। आ गया कैमरा वापस। तो खाकी के अंदर एक सीन ये था कि अमिताभ बच्चन जी जो हैं वो जो स्टिक है उसकी, पुलिस वालों की स्टिक होती ना, वो यूं करके घुमा रहे होते हैं। मैं अपने हाथ में लाता हूँ ये यूं करके, और ये नीचे हाथ होते हैं और यूं करके घुमा रहे होते हैं। तो ये प्रैक्टिस होती है पुलिस वालों के अंदर, जो अफसर लेवल का आदमी होता है उसके पास स्टिक होती है ना, तो जिसकी टोपी भी यूं होती है, अफसर लेवल के लोग होते हैं, तो वो जो है उसके हाथ वो जो है ना अक्सर स्टिक से यूं खेलते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना ऑब्जर्व करना और उसके ऊपर फिर मूवी बनाना, ये भी एक आर्ट है, यही चीज़ें कहलाती है, और यही पावर होती है एक मूवी के अंदर कि आप सिनेमा में बैठे हैं, अब आपको अंदाज़ा हो चुका है कि एक पुलिस वाला है, या अमिताभ बच्चन जी नहीं है, हम पिछली मूवी जो देख चुके हैं वो पिछली मूवी थी, उसके अंदर इनका जो कैरेक्टर था वो था। अभी जो आदमी के सामने मैं खड़ा हूँ ये एक ऑनेस्ट पुलिस वाला है जिसके ऊपर एक ड्यूटी है, जिसको ये काम करना है, तो ये बड़ी एक पावरफुल चीज़ है। चलें आगे देखते हैं। मौत तो बहुत पीछे रह गई, सामने भी वही है कमीने। ये तुम क्या कह रहे हो? इंसाफ। कैसा इंसाफ? बेनजीर के बाप की पीठ में खंजर उतार कर जो तूने दो कबीलों को दुश्मन बनाया उसका इंसाफ, मैं उनको दोस्त बनाने जा रहा हूं। तेरी गर्दन काट कर। ए पठान, अरे क्यों मारना चाहता है इसको? भैया ये भी बेनजीर का आशिक लगता है, मुझे मारकर उसे हासिल करना चाहता है। ये भी उड़ा दो इसे, उड़ा दो। अबे चुप, उड़ा दे भैया, उड़ा दे। ए बंदूक नीचे। हाँ, ये पठान तो दोस्त है अपना, बिरादर है। अरे पठान, कौन है तू भाई? तुम कौन? ओए ताबेदार है खान।
खान साहेब ताबेदार है और नाम छोटा सा है, छोटा सा नाम पाशा पाशा। अगर काम बहुत खतरनाक करता है बाकी सब खेल लेते हैं भाई। ओ कमीज, ये मेरा शिकार है, इसको पूछा वरना। अरे वरना क्या? वरना एक नहीं दो सर काटने पड़ेगा मुझे। ए पठान, अपने सर की खैर मना। बहुत कूल चल रहा है। पीठ दिखाकर ताबेदार हो जा वरना तेरा सर काबुल जरूर जाएगा। वो खबीस का बच्चा। इसका सर बहुत बहुत तो था तुम अभी बोलो अभी बोलो बोलो। लैंडस्केप बहुत अच्छा चुना है उन्होंने, बहुत जबरदस्त। टू हैंड कॉम्बैट भी आती है काम पर। जबरदस्त यार, जबरदस्त जबरदस्त। ये देखें आप, देख रहे हैं एक एक सीन की डायरेक्शन, मतलब जो डायरेक्टर है ना वो पिछले सीन को भूल जाता है और दूसरे सीन को जहन में रखता है, बस फिर वो सीन उसकी काय वो होता है, पूरी सोच जो वो है ना वो फिर अपना दिमाग कहीं और फोकस इतना होता था यार कि वो भूल जाता है और फिर उसी को रखता है, फिर वो खत्म होता है, फिर वो दूसरे सीन को लेके आता है। अब ये वाला सीन करना है, सब भूल जाओ, आपको यहाँ खड़ा होना है, पीछे का लैंडस्केप ये होना चाहिए और यहाँ कैमरा रखो,
सही, अब आ रहा है, हाँ अब आ रहा है, अब आप वो वाला डायलॉग बोल दो, सही रिकॉर्डिंग करो, तो ये लाइट यहाँ से मारो, चलो भाई। ये हर हर सीन को सीरियस लेते हैं, जब जाके एक फिल्म बनती थी यार। अब तो हम तो ऐसे बस मोबाइल कैमरा उठाया, चलो भाई फिल्म भी बना लेते हैं, ये रिएक्शन तो दे ही रहे हैं, चलो फिल्म भी बना लेते हैं। तो ये आपका वो क्वालिटी नहीं रही, हमारी कैमरा क्वालिटी ख़राब हो गई, हमारा कैमरा कितनी बार अटक रहा है यार यहाँ पे, देखो क्या हाल हो गया। खैर नाजिम, बड़ा मज़ा आया इसके ऊपर रिएक्ट करने के ऊपर, बस हमारे कैमरे को ज़रा सा गुस्ताखी उसकी माफ़ कर दीजिएगा, बहुत गुस्ताख कैमरा है ये, हमारी फैशन जो है वो रोक देता है। और बाकी सब खैर है, वो कहता है ना, बाकी सब खैर है, हमारा नाम बस पाशा है। तो ये अच्छा, उस दौर के अंदर देखें, आप लोगों ने एक चीज़ इसमें नोट की होगी कि एक पठान को और एक राजपूत को जो है वो एक साथ दिखाया है। अच्छा, ये चाहे इंडिया लें, चाहे अफगानिस्तान लें, चाहे पाकिस्तान लें, चाहे जो भी हिस्सा इस तरह का लें, तो ये चीज़ें ये एक आम चीज़ थी। मतलब आपस में किसी कबीले की जंग दूसरे कबीले से, वो तो उसका अपना मामला है भाई, जंग जब जंग होगी तो जंग है, लेकिन वहाँ का बंदा हमारा दोस्त होता था, हम उसके साथ खाते थे, पीते थे, खेलते थे, कूदते थे, सब करते थे, हमारे जहन में जंग, क्योंकि जंग अभी तो यार हम क्यों जंग करें, समझ रहे, अभी तो जंग नहीं हो रही ना, जब जंग होगी जब हम जंग कर लेंगे, अभी दोस्ती है, दोस्त दोस्ती ही, समझ रहे। तो ऐसा होता था जैसे अब जैसे राजपूत, तो चलो राजपूतों से तो कभी नहीं रही, लेकिन एक मराठों से काफ़ी रही है। तो अब ऐसा नहीं था कि मराठ और वो मुसलमान आपस में दुश्मन, नहीं ऐसा नहीं होता था, बहुत दोस्ताना रवाबित होते थे, जंग होती थी फिर जंगा होता था, हाँ भाई चलो ठीक है वो जंग है, वो और वो जंग मुसलमान और मराठों की कभी नहीं हुई, वो हमेशा उस एम्पायर की हुई है, मुगल एम्पायर का कोई अगर आदमी है वो मराठों से कर रहा है तो कर रहा है, सिखों से कर रहा है तो कर रहा है, फिर सिखों से हाथ मिला लिया, फिर मराठों से हाथ, जब अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए तो मराठों के साथ हो गए, आधे मुसलमान मराठों के साथ है तो आधे जो है वो अंग्रेज़ों के साथ है, ये बहुत सारी कहानियाँ इस तरह की होती रहीं। और लेकिन ये सिर्फ ये जंगी हालात थे, आजकल होता ये है कि जंगों को जहनों पर तारी कर दिया गया है, किसी भी जरिए, मीडिया के जरिए, इसके जरिए, उसके जरिए, अब हर आदमी जो है वो जंगजू बना हुआ है, वो समझ रहा है कि मैं जो हूँ मैं वो, नहीं भाई तुम वही हो जो तुम आम आदमी हो, अभी कोई जंग का डंका नहीं बजा के रखो अपने सरों पे, और जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें करना क्या था, जब तक टाइम भी निकल चुका होगा, हवा शंट हो चुकी होगी और अंग्रेज़ अपना दाव खेल भी चुके होंगे, तो बस यही कि कौम को एक होकर रहना चाहिए, और दोनों तीनों चारों पाँचों पता नहीं कितनी कौमें हैं, और सब एक होके रहती हैं, जब भी चलता रहता है, मतलब कि समझ से बाहर है ये चीज़ें। खैर चलें, ये तो बात रही, बड़ी लंबी तकरीर है इसके ऊपर, कभी करेंगे, कभी वक्त मिला तो छेड़ेंगे इस सांस को भी, जो देगा बड़ी आवाज़, जो देता है, जो अक्सर देता रहता है आवाज़, छेड़ेंगे कभी इस सांस को भी। चलें जी, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और जो भी चीज़ें, जो जो बटन इन्होंने दे दिए हैं उनको, वो हमारे फ़ायदे के लिए जो इन्होंने बटन दे दिए वो आप दबा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, जज़ाकअल्लाह। और जो रियल लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।